हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मनदीप कौर पन्नू। आज की जो मेरी ऑडियो है वो नैनी इंटरव्यू रिगार्डिंग ही है। नैनी इंटरव्यू में एक टॉपिक आज मैंने लिया है, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर चाइल्ड का। तो अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन एम्बेसी पूछ भी लेती है, तो आज जो क्वेश्चन है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर चाइल्ड पर ही है, तो इनमें आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है कभी कि व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर ए नैनी शुड बी क्रिएट विद ए चाइल्ड। कैसा एटमॉस्फेयर एक नैनी क्रिएट करे चाइल्ड के साथ। अब नैनी कैसा क्रिएट करे, फ्रेंडली क्रिएट करे, चेयरफुल केयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर विद ए चाइल्ड। नैनी शुड बी प्ले विद द चाइल्ड एंड शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स। नैनी शुड बी एक्सप्लोर देयर हॉबीज। नैनी शुड बी इंक्रेज द चाइल्ड टू फेयर थिंग्स। नैनी शुड बी सेलिब्रेट चाइल्ड अचीवमेंट। नैनी को पॉजिटिव और केयरिंग एटमोसफियर क्रिएट करना चाहिए चाइल्ड के लिए। नैनी हमेशा बच्चों के साथ खेले और उनकी प्रॉब्लम सुने और उनकी जितनी हो सके हॉबीज पता करें कि कितनी इनको हॉबीज़ के बारे में पता है, और नैनी छोटी से बड़ी अचीवमेंट में खुश रहे, सेलिब्रेट करे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू फेयर थिंग्स मीन। ए चाइल्ड शुड नॉट स्पीच लाई। चाइल्ड जो है झूठ ना बोले। स्टिल थिंग शुड नॉट बी अज्यूमिंग लैंग्वेज। कुछ गलत लैंग्वेज ना बोले। तीसरा क्वेश्चन है What kind of behavior nanny should opt within a naughty child? कैसा behavior nanny अपनाए एक naughty child के लिए। Nanny should be opt a flexible and lenient behavior with naughty child. Say they can be happy and sad moments. Nanny should be mold them according to make them happy and within a work of their linking likes. चौथा क्वेश्चन है हाउ ए नैनी कैन बी ए मदर ऑफ ए चाइल्ड। शीश एक नैनी जो है वो मदर है चाइल्ड की, बन सकती है मदर। शी शुड बी टेक केयर ऑफ चाइल्ड लाइक देयर ओन चाइल्ड। शी शुड बी ए केयरिंग, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग लाइक मदर। इसका आंसर ये है, शी शुड टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड लाइक देयर ओन चाइल्ड। शी शुड बी ए केयरिंग, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग देयर लाइक मदर। पांचवा क्वेश्चन ये है हम फिफ्थ क्वेश्चन में हैं, हाउ कैन नैनी प्लान मील्स फॉर ए चाइल्ड। मतलब एक नैनी जो है बच्चे का मील कैसे प्लान करेगी। देखा जाए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एज, फिजिकल मेंटल एक्टिविटी हैज़ ए नीड टू प्लान आउट द मील। इफ चाइल्ड इज़ वीक दैट डज नॉट लाइक टू हैव प्रॉपर मील, देन नैनी के ओनली कैन डिसाइड द मील अकॉर्डिंग टू हिज हर टेस्ट एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। नैनी ने जो मील प्लान करना है वो अकॉर्डिंग चाइल्ड की एज, फिजिकली मेंटली, और उससे उस अकॉर्डिंग उसने मील तैयार करना है। अगर चाइल्ड वीक है और ही डज नॉट लाइक प्रॉपर मील फॉर मिल नहीं पा रहा है उसे, तो नैनी ने डिसाइड करना है कि उसके अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर स्टेट और न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यूज फूड्स में है वो चीज़ नैनी ने प्रोवाइड करनी है। सिक्स क्वेश्चन ये है, डिफाइन द बिहेवियर। द बिहेवियर इज़ ए काइंड ऑफ नेचुरल एंड शोइंग द पर्सनालिटी ऑफ मैन ऑटोमेटिकली माइल्स इन ऑल सोशल, फिजिकल, मेंटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। बिहेवियर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द बिहेवियर, डिफाइन द बिहेवियर, ये क्वेश्चन है। तो बिहेवियर इज काइंड ऑफ नेचुरल, जो आपकी पर्सनालिटी शो करता है कि आपका सोशल, फिजिकल और मेंटली एक्टिविटी ऑफ लाइफ क्या है। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, और किसी ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो नैनी की तो मुझे कॉल करें।
क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे पास नैनी की इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी प्रिपरेशन सक्सेसफुल होती है और उनके वीज़े भी लगे हैं, तो उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके डाउट्स हैं नैनी रिलेटिव टॉपिक्स से, वो सारे मैं क्लियर कराती हूँ क्लास में। अकॉर्डिंग टू एम्बेसी मैं पूरी इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाती हूँ। तो अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी। तो इन सब की आईडी जो है वो मैंने अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल घंटी क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि आपको हर देर जो भी अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। थैंक यू सो मच।